मैराथन धावकों के भीष्म पितामह 101 साल के भारतीय मूल के ब्रिटिश धावक फौजा सिंह ने आज अपने जूते हमेशा के लिए टांग दिए। जी हाँ, टर्बन टॉर्नेडो के नाम से मशहूर फौजा सिंह ने आज हांगकांग मैराथन में हिस्सा लेने के बाद अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह आज 101 साल की उम्र में अपनी आखिरी रेस दौड़े। आज फौजा सिंह ने 10 किलोमीटर दूरी की हांगकांग मैराथन में हिस्सा लिया और ये रेस पूरी करते ही 100 साल के इस युवा धावक ने अपने जूतों को टांगने का ऐलान कर दिया। फौजा सिंह को लोग प्यार से टर्बन टॉर्नेडो यानी पगड़ी वाला तूफान कहते हैं और ये बात उन्होंने बार बार लगातार साबित भी की है। उम्र साबित करने के लिए कोई दस्तावेज ना होने के चलते फौजा सिंह का नाम तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल ना हो सका, लेकिन साहस और जज्बे की चलती फिरती मिसाल बन चुके इस बुजुर्ग को किसी तारीफ की दरकार भी नहीं है। वो तो अपने में ही मस्त हैं। मेरे दिमाग च बहुत खुशी आ रही थी। मैं कहता सगा जिले मैं 5 किलोमीटर गया है ना, किलोमीटर 5 किलोमीटर मैं अधे टाइम च करनी है दौड़ना। अज मैं बड़ा कैम सी, बहुत खुश सगा, क्यों फिर जरा मैं भजना अखीरले दिन भजना, फिर मैं रब ने मेरा अगमान तोड़ दिता, पर फिर भी मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा खुश हूँ। समाज के असली हीरो वो होते हैं जो पत्थर की लकीर बन चुकी स्थापित मान्यताओं को भी उलट देते हैं। फौजा सिंह ऐसे ही हीरो हैं। आमतौर पर माना जाता है कि 60 के पार आदमी ढलने लगता है, लेकिन फौजा सिंह ने इसे गलत साबित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि उपलब्धि हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती और उनकी तरह हौसला रखें तो आप भी दुनिया भर में चर्चित और सम्मानित हो सकते हैं।